Hi guys, welcome on my vlog. जा रही हूँ मैं दिल्ली. चलो चलते हैं दिल्ली. आज घूमने जाएंगे दिल्ली और कहाँ कहाँ जाएंगे बताऊंगी नहीं, पर चलिए चल रहे तो ये नोएडा है दोस्तों. नोएडा से हम निकल रहे हैं और नोएडा जो है काफ़ी ग्रीन है. आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बहुत ही मतलब पीसफुल सिटी इस समय हो चुकी है नोएडा. एक समय था जब नोएडा में काफ़ी डर लगा करता था, सुनसान था, चोरी का भी काफ़ी डर था, लेकिन फ़िलहाल अब जब से योगी जी आए हैं तब से नोएडा जो है ग्रेटर नोएडा बहुत पीसफुल स्पेस हो चुका है. अब चलते हैं हाईवे पर. ये हाईवे हमें दिल्ली की तरफ लेके जा रहा है और बादलों का घेरा दिख रहे हैं आप. मौसम जो है थोड़ा बदलता हुआ है. अगर हम बीच पहुंचते हैं, बीच नोएडा के पास पहुंचते हैं, दिल्ली और नोएडा के बीच में, तो भी आपको काफ़ी ग्रीन जो है ग्रीनरी काफ़ी मिलने वाली है, क्योंकि ये है यहाँ पर. मैं नोएडा सेक्टर 18 में हूँ इस समय और मैं जा रही हूँ कंप्यूटर की शॉप में. इस समय मुझे कंप्यूटर अपना लैपटॉप ठीक कराने आए थे तो वहाँ जा रहे हैं. इसके बाद जाएंगे पटेल नगर. और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है सेक्टर 18 अट्टा मार्केट. ये है नोएडा सेक्टर 18 में अट्टा मार्केट और ये मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 18 का. काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे. और मैं और शिवम आए हुए हैं. शिवम नीचे है, लैपटॉप लेने के लिए गए हैं और मैं भी नीचे ही जा रही हूँ जूम कंप्यूटर्स पे. नोएडा से होते हुए हम जा रहे हैं इंडिया गेट की तरफ और ये रास्ता देखिए आप, कितना ग्रीन है, कितना ग्रीनरी है यहाँ पर. बहुत ज़्यादा प्लांट है यहाँ पर. दिल्ली और नोएडा जो है वो हमारे देश के कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर आपको खूब सारी ग्रीनरी देखने के लिए मिलेगी, उसके बावजूद भी प्रदूषण बहुत है. फ़िलहाल तो ये हम पहुँच चुके हैं यहाँ से इंडिया गेट की तरफ है और काफ़ी रश था उस तरफ की लेन में, लेकिन यहाँ पर नहीं, मेरे साइड में रश नहीं था. तो बस हम पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में. हम जा रहे हैं आंध्रा भवन. ये आंध्रा भवन जहाँ हम जाकर खाना खाते हैं और ये हमारी फेवरेट खाने की प्लेस है. हम वहाँ जाते हैं और हम आंध्रा भवन खाना खाते हैं. हम लैपटॉप डालकर आ गए हैं. अपना लैपटॉप हम ठीक कराएंगे और लेंगे. और बता दें आपको कि हम यहाँ से खाना खाने के बाद पटेल नगर जाएंगे और पटेल नगर में हमें कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ों का काम है, तो हम म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर लेकर आएंगे. और शेयर वाली बंद हो गई यार. शेयर वाली पता नहीं मुझे. शटल बोलते हैं उसे. अब शटल के नाम से. अच्छा, बस वगैरह बस के साथ. अच्छा, कैब नहीं है मगर वो. कैब तो एक आदमी की, अगर एक आदमी शटल करेगा तो एक आदमी के लिए कैब पास. बट टाइम भी और लगता होगा. Thank you.
थार से अच्छा तो कोई और दूसरी गाड़ी। हाँ होंडा ही क्रेटा ले लो। तो दोस्तों अब हम पटेल नगर पहुंच रहे हैं और हम जा रहे हैं राज म्यूजिकल्स, क्योंकि हमें लेना है म्यूज़िक का कुछ सामान। और चलिए देखते हैं कि वहाँ क्या क्या मिलता है। वैसे वहाँ म्यूज़िक से रिलेटेड हर चीज़ मिलती है, स्पीकर से लेकर माइक से लेकर बड़े बड़े सिंथेसाइज़र, है ना। आप देखो कैसियो पियानो यहाँ पर सब कुछ मिलता है। रोड के माइक हैं यहाँ, काफ़ी बड़ी दुकान है ये, काफ़ी अच्छा है। इंस्ट्रूमेंट्स भी मिलते हैं म्यूज़िकल, देखिए हारमोनियम भी है, गिटार सितार और तरह तरह के जो वाद्य यंत्र हमने शायद देखे नहीं हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत कलेक्शन है इनका। तो ये कलेक्शन है यहाँ पर और देखिए इसको मैं सुनाती हूँ आपको। Thank you.